शहर के गेटवेल हॉस्पिटल के प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर राजेश्वर स्वर्णकार ने कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी के शुरुआती हस्तक्षेप के लाभों के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पर चर्चा करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर स्वर्णकार द्वारा दी गई। आयोजित पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर स्वर्णकार ने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को संबंधित जानकारी देते हुए कहा, ओएसए ये सबसे अनियंत्रित और अनौपचारिक स्थिति में से एक है, जिससे लोग दैनिक आधार पर पीड़ित होते हैं। लैनेट रिसर्च 2019 में पता चलता है कि ओएमए एक गंभीर संभावित रूप से जीवन के लिए खतरे वाली स्थिति है। यह पहले के विचार से कहीं अधिक सामान्य है। स्लीप एपनिया सभी आयु समूहों और दोनों लिंगों में होता है, हालांकि यह पुरुषों में अधिक आम है। स्लीप एपनिया एक श्वास संबंधी विकार है, जिसकी विशेषता यह है कि नींद के दौरान सांस लेने में संक्षिप्त रुकावट होती है। मैंने बताया कि हम लोग जो सोते हैं, ये हमारी स्लीप जो है वो खासकर हमारी खुद इसमें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक तिहाई हम लोग जो समय है वो हम लोग से सोने में निकालते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा यानी कि जो जागरूक नहीं रहते हैं जैसे होता है, और इसके कारण बहुत सारे नींद से संबंधित रोग हैं, जिसके बारे में हम लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग ये वर्ल्ड जो स्लीप डे है उसका हम आयोजन करते हैं, और ये 18 मार्च को है। आपको इससे मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिन जो पहले है, बिल्कुल हमारे जो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे बप्पीदा, उनका भी निधन स्लीप एपनिया से हुआ है, जिसमें क्या होता है कि रात में हम लोग जब सांस लेते हैं उसमें अवरोध हो जाता है, और खासकर ये उन लोग को होता है जिनको थोड़ा सा मोटापा रहता है, और बस थोड़ा सा जो गली की जो गुलाई बहुत ज़्यादा रहती है, उनका शर्ट साइज़ एक्चुअली 44 से ज़्यादा रहता है, और ऐसे लोगों को ये वाला रोग बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें लोग रात में सोते हैं तो उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से यानी कि जो खर्राटे आते हैं, और ऊपर खर्राटे के साथ में उनके श्वास में अवरोध हो जाता है, और ऐसे लोग फिर ठीक से सो नहीं पाते। स्लीप एपनिया की विशेषता है, एक रात की नींद के दौरान कई अनैच्छिक श्वास रुकने या एपनिक घटनाएं होती है। प्रति घंटे 20 से 30 या अधिक घटनाएं हो सकती है। ये घटनाएं आमतौर पर एपनिया घटनाओं के बीच खर्राटों के साथ होती है, लेकिन हर कोई जो खर्राटे लेता है उसे स्लीप एपनिया नहीं होता है। स्लीप एपनिया की विशेषता घुटन संवेदनाओं भी हो सकती है। गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद के लगातार रुकावट से अक्सर सुबह के सिर दर्द और दिन में अत्यधिक नींद आती है। एपनिक घटना के दौरान आप मांस से ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। यह मस्तिष्क को श्वास फिर से शुरू करने और उत्तेजना पैदा करने के लिए सचेत करता है। प्रत्येक उत्तेजना के साथ मस्तिष्क से ऊपरी वायुमार्ग की मांसपेशियों को वायुमार्ग खोलने के लिए एक संकेत भेजा जाता है, सांस फिर से शुरू हो जाती है। अक्सर जोर से खर्राटे या हांफने के साथ बार बार उत्तेजना हालांकि श्वास को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक है, परंतु पुनर्स्थापनात्मक गहरी नींद को रोकती है। साथ ही ओएसए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर स्वर्णकार की टीम द्वारा साझा की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।